If you think you can, if you don't think you are right. Hello friends, welcome to our live learning session. आज हम बात करेंगे financial freedom के बारे में. हम life में financial freedom achieve करने के लिए कैसे level को हम step by step process को हम achieve कर सकते हैं. किस process के बाद कौन सा process, कौन सा level के बाद कौन सा level हम follow करेंगे जो चीज हम life में आसानी से financial freedom को achieve कर सके. हर पीपल का मकसद होता है लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना हर किसी का लाइफ में मकसद होता है. बट हम फाइनेंशियल फ्रीडम को आसानी से कैसे अचीव कर सकते हैं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप लेवल के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन. फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल टू दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट. हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करें, हमें प्रॉपर गोल सेट करना है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए गेम जीतने लायक योगी बनाना चाहिए और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए प्रॉपर लिस्ट तैयार करना है. हमें लिखना है हमें क्या क्या चाहिए हमारे लाइफ में और हमें हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे पा सकते हैं. एक एक स्टेप्स को जानेंगे, एक एक लेवल को हम कंप्लीट करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए. आज का पहला लेवल है फाइनेंशियल कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है और पांचवा लेवल. चौथा लेवल है फाइनेंशियल फ्रीडम हमें अचीव करना है. तीसरा लेवल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हमें कैसे बनना है और दूसरा लेवल है फाइनेंशियल वाइटलिटी और पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. हम इस सारे लेवल को कैसे कंप्लीट करेंगे और हम एक अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम बन पाए अपने लाइफ में, तो आज हम लेवल को अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे. आज का पहला लेवल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. हमें पता कैसे चलेगा हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि नहीं, तो हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए क्या क्या चाहिए. हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के लिए एक लोन मुक्त घर होना चाहिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने के लिए हमारे पास जो छोटे मोटे खर्चे हैं घर के, छोटे मोटे खर्चे को आसानी से इजीली अब हमारे पास ऐसे रेगुलर इनकम आना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव कर चुके हैं. ये है पहला लेवल. अब जानते हैं दूसरा लेवल क्या है, फाइनेंशियल वाइटलिटी. ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी से सारे महंगे चीज़ें है जो कि आपके लाइफ में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है, आपके एक सोच है, तो आप इसमें इस चॉकलेट्स खरीद रहे हैं, महंगे ड्रेस खरीद रहे हैं और हमें पहले लेवल कंप्लीट नहीं किया है. हमारे पास लोन है और हम ये सब कर रहे हैं, तो ये जेन्युइन नहीं है, तो हमें अच्छे से समझना चाहिए. दूसरे लेवल में हम पहले लेवल को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो दूसरे लेवल में ये सब कर सकते हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तीसरा लेवल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, जो कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियल, आप काम यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, तीसरे लेवल पे यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके पास इतना मनी रेगुलर इनकम के बेसिस में आ रहा है. आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है. जैसे कि आप आपका इच्छा है गोवा घूमना, तो आप तीसरे लेवल पर गोवा घूम सकते हो. आपको फैमिली में ज़्यादा टाइम देना है, आप दे सकते हो. आप कहीं जाके रुकना है, पहाड़ों में जाना है, जहाँ भी जाना है और कुछ टाइम स्पेंड करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके इनकम जेनरेट हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रहा है, जो कि आपके लाइफ को बेहतर कर रहे हैं. तो आज का चौथा लेवल है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि उससे भी बेहतर है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल वाइटलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट से भी बेहतर है फाइनेंशियल फ्रीडम. यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस में आपके इनकम आ रहा है, आप इतना फ्रीडम हो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद आप लग्जूरियस लाइफ स्टाइल स्पेंड कर सकते हो. आपको महंगे घर में रहना है तो रह सकते हैं, आपको महंगे गाड़ियों में घूमना है तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं, और आप अगर किसी को हेल्प करना चाहते हैं. आज का पांचवा लेवल है फुल
टोटली फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर है। फुल्ली हम फाइनेंशियल फ्रीडम किसको कहेंगे जानते हैं। यहाँ इस लेवल में हम एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं, क्योंकि हम हमारे पास अभी इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल के भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम महंगे से महंगे घर में रह सकते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, यहाँ पे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, और आपके जो चाहिए नीड्स है वो हमें हमारे लाइफ में एक पढ़ाई करने के बाद एक मैथ को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। एक सिंपल मैथ को सॉल्व करने के लिए सही फॉर्मूला उसमें अगर हम देते हैं तो हम सही आंसर पा लेते हैं। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा है, हम अगर इस फॉर्मूले इस लेवल को कंप्लीट करते हैं तो एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। यस वंडरफुल, डिस्क्राइब्स अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम। हम लाइफ में स्टेप बाय स्टेप लेवल को हम फॉलो करके लाइफ में हम आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसी के बारे में आपको बताया गया है। एंड लेवल अगर वन आप अचीव नहीं किए हैं एंड आप लेवल टू के तरफ से जा रहे हैं, तो लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके आना डिफिकल्टीज होने वाला है। लाइफ में आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ आप मनचाहत का वर्क कर सकते हैं, मनचाहत का चीज़ें आप खरीद सकते हैं, मनचाहत का आप चीज़ों को लेके आप घूम सकते हैं, बट वो डिपेंड्स अपॉन द लेवल के बेस में। अगर लाइफ में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर एक एग्जांपल जो दिए हैं एक मैथ का, अगर आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर उसको फॉर्मूला आप फॉर्मूला पे डाल देंगे तो वो आसानी से आप उसी का आंसर आप आसानी से आपको मिल पाएगा। सेम चीज़ें फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, सेम चीज़ें फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी वर्क करता है। अगर आप फॉर्मूला पे उसको अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। उसका 5 स्टेप रहता है। फर्स्ट चीज़ है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल वाइटलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम अबव इन लाइफ। 5 स्टेप स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बता दिए हैं। बट मोस्ट ऑफ टाइम हमारे लाइफ में क्या करते हैं, हम लाइफ में हम सारा चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, हम लेवल वन को अचीव नहीं करते हैं एंड लेवल टू की तरफ से हम तरफ जाते हैं। हम जो चीज़ हमारा लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हमको डिफिकल्टीज आता है, जो चीज़ हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोटा चीज़ मैं थोड़ा सा सिंपल में बता दे शेयर करूँगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आपके पास लोन नहीं होना चाहिए, लोन फ्री लिविंग ऑफ लाइफ होना चाहिए। एंड फाइनेंशियल वाइटलिटी में आपका विश के लिए काम करेंगे, सिक्योरिटी में आप ओनली नीड्स के लिए वर्क करेंगे। अगर आप नीड्स के लिए आपका आसानी से मेंटेन हो रहा है सारा चीज़ एंड आप लोन फ्री लिविंग ऑफ लाइफ कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी हैं। एंड फाइनेंशियल वाइटलिटी आप इसके लिए आप थोड़ा सा आपका चाहत का आप जरूरत नहीं है बट आप चाहत है एंड उसके लिए आपका पॉकेट सपोर्ट कर रहा है, आपका मनी जो है जो अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न करते हैं वो चीज़ आपको सपोर्ट करता है। तो देन दैट थिंग्स यू कैन डू इट स्मॉलली, छोटा छोटा चीज़ें आप फुलफिल कर सकते हैं, उसी में आपका चाहत का वर्क कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लाइफ में इतना पाइपलाइन बिल्ड हो गया होगा, जो चीज़ मनी आ रहा होगा मनी के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आप लाइफ में फाइनेंशियल आसानी से आप फाइनेंशियल को मेंटेन कर सकते हैं, किधर घूमने जाना है घूमने जा सकते हैं और सारा चीज़ का फॉलो कर सकते हैं स्टेप नंबर 3 में। एंड स्टेप नंबर 4 फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी आप लग्जरियस लाइफ यूज कर सकते हैं, लग्जरियस घर यूज कर सकते हैं, आपका जो चाहत है वो चीज़ आप कर सकते हैं। एंड एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम दोज पीपल्स दे आर रिच इन देयर लाइफ, टॉप लेवल रिच जो कहते कहा जाता है, एंड उनके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी है और कभी मनी के बारे में सोचते नहीं। अगर जिंदगी भर में अगर उनको वर्क भी नहीं करना पड़ेगा फिर भी उनको उनको मनी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, दैट इज द एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप किधर घूमने जा रहे हैं एंड आपके पास लोन है तो इट इज़ अ डिफिकल्टीज, यू आर नॉट फॉलोइंग द फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योरिटी। बट मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारा डेली लाइफ में डेफिनेटली वंडरफुल रिजल्ट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरीवन, फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड गेट अ ग्रेट सक्सेस इन योर। थैंक यू टू एवरीवन एंड लव एंड रेस्पेक्ट टू एवरीवन। यस, सो थैंक यू।